पश्चिम वर्धमान जिले के कुलटी एक नंबर मंडल बीजेपी महासचिव राजू यादव के घर पर पुलिस अधिकारी सिविल ड्रेस में जाकर उनके परिवार के साथ अभद्र भाषा में बातचीत एवं आपत्तिजनक बातें कहने का आरोप भाजपा की ओर से लगाया गया है। इस तरह की पुलिसिया कार्यवाही के खिलाफ राजू यादव अपने परिवार परिजन एवं बीजेपी कर्मी समर्थकों को लेकर बराकर पुलिस फाणी का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। घटना की सूचना पाकर स्वयं बराकर पुलिस फाणी पहुँचे भाजपा प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो ने बराकर पुलिस फाणी के आईसी रविंद्रनाथ दोलुई से पूरी घटना की जानकारी ली। घटना को केंद्र कर बाबुल सुप्रियो के साथ आईसी की बगझग भी हुई। पिछले ये थे गाली ये दे रहा था, रिकॉर्ड करो भाई रिकॉर्ड। ये थे गाली गाली क्यों दे रहा था? दिखाई अच्छा पर हमको मार दिए। कौन मारा? हम यही बोलते यही मारा ना। वहीं इस बारे में भाजपा प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो ने कहा कि पुलिस अधिकारी सिविल ड्रेस में जाकर उनकी घर की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है एवं उल्टी सीधी बातें भी कही है। ये सबकी फुटेज हम लोगों के पास है। ये घटना की सारी कॉपीज पुलिस ऑब्जर्वर एवं इलेक्शन ऑब्जर्वर को भेज दिया जा रहा है। अब हम लोग कानूनी तरीके से इसका जवाब देंगे। कैसे उनको थप्पड़ मारा है? कोई महिला पुलिस नहीं थी। कैसे कपड़े फाड़े हैं? कैसे गंदी गंदी बातें की है? गंदी गाली दी है। ये सब तृणमूल के पास बिके हुए नपुंसक पुलिस ऑफिसर है। ये सब जो है ना, ये मतलब इसको हम इंग्लिश में कितनी भी गाली दे, हिंदी में भी कितनी गाली दे, वो कम है। हाँ, तो यहाँ पे हमने सबको संभाल के जो है लेके आए, अलग रस्ते से लेके आए, क्योंकि आज शबे बारात का दिन है। हम किसी भी तरीके का अनरेस्ट चाहते भी नहीं है, और हम किसी भी तरीके से किसी को मौका नहीं देंगे कि वो कहें कि हम किसी भी तरीके का सांप्रदायिक तनाव करने की हमने कोशिश की। सबको अलग रास्ते से लेके आए, सब शांति से आए, कोई नारेबाजी नहीं हुई। और जिस तरीके से एक माँ जिसके दो ट्विन बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको जिस तरीके से गाली दिया, हमारे प्रधानमंत्री के नाम लेके जिस तरीके की गंदी गाली दी है, और विदाउट प्रोवोकेशन, वो सारे जो है, सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, वीडियो में रिकॉर्ड किया है हमने, सारे लोगों ने किया है, और वो हम कोर्ट में पेश करेंगे। और अभी इस वक्त जो है, हम जो इलेक्शन के ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं, वो सारे जो पुलिस के ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं कलकत्ता में जो बैठते हैं, वो सारे लोगों को इसके कॉपी हम भेज रहे हैं, वीडियोज भी भेज रहे हैं। इसके आगे जो है हम कानूनी कदम देंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।